here the first question is, Kashmiri wool is also known as Pashmina. Pashmina. Okay, that's Pashmina. Ye to sabko pata hai. Okay, next hai. Silk was first discovered in China. The fiber which is called and give a spongy feel is wool. The fiber that leaves a hard residue upon burning is nylon. वैसे ऊल में भी हार्ड रेसिड्यू होता है. द फाइबर व्हिच बर्न्स विद द ऑर्डर ऑफ बर्न हेयर इज द सिल्क. ऊल में भी तो ऐसा ही होता है. यस सर, ऊल होगा या सिल्क होगा, दोनों. द स्मूथेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल फाइबर इज सिल्क. सिल्क. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एनिमल फाइबर. ये आपको लिखना है, पहले चैट बॉक्स में आप लिखो पांचों का आंसर, फिर मैं बात करूंगा. पहला ऊल होगा. पहले लिखो आप लोग चैट बॉक्स में. सर, डैम्प का मतलब क्या होगा सर? ओके, सो लेट मी नो द आंसर्स. चलो मैं आंसर करता हूँ. फर्स्ट है, इट अब्सॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विदाउट बिकमिंग डैम्प. कौन है? ऊल. नेक्स्ट है, इट इज सिक्रेटेड बाय अ कैटरपिलर. प्रोटीन फाइबर. वाह, ककून फाइबर, प्रोटीन फाइबर. ककून लिखे क्या? कर प्रोटीन फाइबर. अच्छा, एनिमल फाइबर पूछ रहा है, तो प्रोटीन एनिमल फाइबर में कौन सा एनिमल फाइबर, उसे ककून कहते हैं. और ककून में कौन सा एनिमल फाइबर रहता है? सिल्क ना. यहाँ पूछ रहा है एनिमल फाइबर पता करना, तो सिल्क लिखेंगे सीधा. ठीक है, इट इज फायर रेसिस्टेंट. कौन सा? ऊल. या. और इट इज पॉपुलर फैब्रिक फॉर टेलरिंग फाइन गारमेंट्स. उलन. ऊल. उलन. और इट कैन बी डाइड इजली एंड इज वेरी इलास्टिक. ऊल. 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 चलो ठीक है, ये वेरी करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. सो यू हैव टू राइज योर हैंड, डू नॉट अनम्यूट योर कॉल. जिसे आंसर पता है बस हैंड राइज करें. फ्रॉम व्हाट इज कश्मीरी ऊल ऑब्टेंड, हैंड राइज करना है. और जिन्हें बताना है आंसर वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं. क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट इज कश्मीरी ऊल ऑब्टेंड, राइज योर हैंड. आदित्य कुमार बताओ. Sir, Kashmiri wool is obtained by Kashmiri goats, which are only found in Kashmir. Very good. So, Kashmiri goat, लिख दो आंसर. Yes, sir. Yes, sir. K-A-S लिखूँ या C-A-S? C-A-S. K-A-S. C-A-S. C-A-S-H-M-E-R-E. नेक्स्ट, राइट द यूज ऑफ कैमल ऊल, राइज योर हैंड. हैंड राइज करो. ओके वंदना, कैमल ऊल का क्या यूज है? कैमल ऊल इज यूज्ड टू मेक कोट्स, रोप एंड स्पोर्ट्स वेयर. ओके, कैमल ऊल इज यूज्ड टू मेक कोट, रोब्स दिखाया था ना मैंने, एंड स्पोर्ट्स वेयर. स्पोर्ट्स वेयर. यस सर. स्पेलिंग बताओ स्पोर्ट्स वेयर का. सर, एस पी ओ आर टी. एस पी ओ आर टी. यस. डब्ल्यू ई ए आर. डब्ल्यू E-A-R. अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज सेरिकल्चर, राइज योर हैंड. ओके कृतिका. यस सर, प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर कॉल्ड सेरिकल्चर. वेरी गुड. सेरिकल्चर का डेफिनेशन हमारे बुक में सबको पता है. यस सर. इसमें सिंपली हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर. वो भी कैसे? पेज नंबर 32. यस यस, पेज नंबर 32. चलो लिख देते हैं.
पेज नंबर 32 में। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई कैन नॉट अ सिंगल सिल्क फाइबर फॉर्म अ थ्रेड। सिर्फ सिंगल थिंग सिल्क फाइबर का थ्रेड क्यों नहीं बनता? अच्छा क्वेश्चन, राइज योर हैंड। हाँ ये पूछूंगा मैं, चलो सत्यम बताओ। यस सर, सर द फाइबर ऑफ अ सिंगल, द फाइबर ऑफ अ सिंगल कॉकन इज टू फाइन टू हैंडल, सो अप टू 10 कॉकन्स आर बाउंड ऑन टू अ रियल बाय हैंड। बहुत बढ़िया आदित्य। यस सर, क्या है तुम्हारा आंसर? सर सर जो सिल्क होता है वो सर बहुत ही पतला होता है, इसलिए सर उसको बहुत सारे सिल्क से मिलाकर सर एक थ्रेड बनता है। यस सर, जैसे यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे सर मेरा भांग है। नहीं तुम्हारा से ये सेम है ना, द फाइबर ऑफ सिंगल कॉकून इज टू फाइन। मेन आंसर ये है कि ये इसका फाइबर जो है बहुत ज़्यादा फाइन होता है, टू फाइन टू हैंडल, है ना, इट्स टू फाइन टू हैंडल, है ना। चलो यस सर, दीप्ति सर टू फाइन हैंडल के बाद कहाँ तक लिखना है सर? बस एक ही लाइन में तो लिखना है कि क्यों नहीं हम सिल्क फाइबर, सिंगल सिल्क फाइबर का थ्रेड बना सकते, क्योंकि ये बहुत फाइन होता है। हाँ दीप्ति शर्मा, व्हाट इज योर आंसर? दीप्ति शर्मा सर विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। द फाइबर ऑफ अ सिंगल कोकून इज टू फाइन टू हैंडल। यस सो दैट इज रीजन। नेक्स्ट, व्हाट आर तसार एंड मुगा कोमल? यस सर, Tesar is a wild silkworm which feed on the leaves of arjun trees. Very and Muga is also the wild silkworm which feed on the leaves of som trees. बहुत बढ़िया सर, पेज नंबर 33। सर इसको शॉर्ट में, सर इसको शॉर्ट में ऐसे भी ना बोल सकते हैं, Tesar and Muga are the type of silkworm as well as silk। ठीक है, ये कितने नंबर पेज में है? 33 सर, 33। चलो बढ़िया, पेज नंबर 33। इसमें एक वन सेंटेंस में लिखना है, अपने हिसाब से लिखना, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा लिखोगे। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू और थ्री सेंटेंस। सो व्हाट इज सिल्क वॉर्म एंड हाउ डज इट ईट? व्हाट डज इट ईट? सिल्क वॉर्म क्या होता है और ये क्या खाते हैं, है ना। प्रतीक पटेल। यस सर, बोलो। The female silk moth is layer handed egg. That is got 3W कहाँ पे मैंने लॉट करेंगे? हाँ इसका पेज नंबर बताओ तो, कहाँ पे है इसका आंसर? ये तो मलबरी लीफ खाता है, सबको पता है। Yes sir. इसका पेज नंबर क्या है? चलो मैं बता दूँ। 33 मेरे में पेज नंबर लिखा हुआ नहीं है, पेज नंबर 33। फिर भी मुझे पता है कि ये कहाँ होगा आंसर। सर रियरिंग सिल्क वॉर्म, रियरिंग सिल्क वॉर्म में होगा, पेज नंबर 33 में। चलो आते हैं, यस रियरिंग सिल्क वॉर्म। पहले तो पूछा व्हाट इज सिल्क वॉर्म, तो सिल्क वॉर्म क्या है कि सिल्क वॉर्म कैटरपिलर को कहते हैं, है ना। द कैटरपिलर, द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म इमर्ज फ्रॉम एग, ये एग से निकलते हैं ना। यस सर, यस सर, दे आर, सर पूछे ककून से निकलता है या एग से निकलता है, क्या सर बोलेंगे? बिल्कुल एग से निकलता है, ककून से तो निकलता है सिल्क मॉथ। ककून से भी तो सर निकलता है, ककून से सिल्क मॉथ निकलता है। लिसन लिसन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने भी। देखो ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, जो ककून से निकलता है उसको सिल्क मॉथ कहते हैं और जो एग से निकलता है उसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। सिल्क मॉथ के पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, सिल्क वॉर्म के पास विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कैटरपिलर जो है उसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। तो सिल्क वॉर्म इमर्ज फ्रॉम द एग एंड उसके बाद क्या खाते हैं, तो दे फीड ऑन टेंडर
threaded mulberry leaves for 5 times in a day. सर के पास फॉर्म द एग लिखा है सर सर इसे शॉर्ट में लिखना है तो सर इस तरह लिख सकते हैं सिल्क वर्म आर अ कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मोथ फ्रॉम व्हिच सिल्क इज ऑब्टेंड दे इट फ्लेश मलबरी लीव्स वेरी गुड ऐसे ही लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है लिस्ट दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन वूल प्रोसेसिंग पेज नंबर बताओ ये सबको पता है पेज नंबर 30 लिख लोगे क्या क्या स्टेप्स है यस सर लिख लेंगे सर ओके नेक्स्ट है हाउ डू द फार्मर कम टू नो दैट अ सिल्क वर्म इज रेडी टू स्पिन अ कोकून फार्मर को कैसे पता चलता है कि सिल्क वर्म अब रेडी है कोकून बनाने के लिए पेज नंबर 33 में ही है यस सर बोलो सर बोलो यस सर व्हेन द caterpillars stop eating at the end of the growth stage farmers know that they are ready to spin their cocoons the caterpillars are the placed in a rectangular frames where they form cocoon very good sir ha ye log jo photo mein sir jo aadmi sir silkworm ko leaf de rahe sir sukha wala leaf hai sukha nahi hai matlab ye de chuka ye log kha ke ab ready ho gaya kha ke ab mota ho gaya अब इनको ये लोग ट्रे में रखेगा ककून अब बनाएंगे ये लोग अब रेडी हैं ककून बनाने के लिए मतलब पता दिया होगा 7 दिन पहले ही समझे ठीक है सर अगर सिल्क वर्म भाग गया था नहीं भागेगा कहाँ भागेगा यार वो इतना धीरे धीरे चलता है कहाँ तक भागेगा हाँ नेक्स्ट है व्हाई डज द फार्मर वीडियो कॉल व्हाई डज द फार्मर कीप सिल्क मॉथ एग इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन फार्मर सिल्क वार्म के अंडे को वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में क्यों रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ से द फार्मर कीप सिल्क मॉथ इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन सेम पेज में ना पेज नंबर 33 में ही इसका आंसर बताओ सर फार्मर्स रियली सिल्क वर्म्स कीप द एग्स इन अ क्लीन प्लेस अंडर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन सो दैट द एग हैज सक्सेसफुली एग को हैच करने के लिए सक्सेसफुली वो हैच करे ये रहा आंसर यहां पे यहां से फार्मर्स हु रियर सिल्क वर्म कीप्स द एग इन अ क्लीन प्लेस है ना दिख रहा है under suitable warm condition and humidity so that it hatch successfully yahan tak ek taki successfully hatch ho sake okay next question what are the health hazard of silk production raise your hand sir can I no do not unmute your call You have to just raise your hand. तो हेल्थ हैजार्ड का 3 पॉइंट हम लोग देखे थे ना यस दीप्ति शर्मा सर पेज नंबर 34 यहाँ लिख दो पेज नंबर 34 यस सर दैट्स पेज नंबर 34 चलो 34 पे चलते हैं हेल्थ हैजार्ड दिया हुआ कहाँ पे है ये रहा ना यस सर तो ये सारे पॉइंट्स लिख दूँ ये इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं यस सर शॉर्ट करके लिख सकते हैं तो यहाँ तक लिख सर डिड यू नो वाला ना हाँ ये फर्स्ट पॉइंट ये लिख देंगे सेल्फ प्रोड्यूसिंग यूनिट हम पता है सर इसका शॉर्ट जनरली स्मॉल एंड पुअरली वेंटिलेटेड सेड एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे फ्यूम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ कोकून लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिजीज ये दो पॉइंट हो कितने पॉइंट्स बोला गया थर्ड पॉइंट में ये लिख देंगे सर हाँ अपने हिसाब से लिख लेंगे यहाँ तक मानो हाँ बोलो सत्यम सर मैं कैंसर होता है सर बताओ यस सर फ्लेम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ कोकून लीड टू द रेस्पिरेटरी डिजीज वी एट अ टाइम्स द वर्कर्स मोस्टली वुमेन गेट इन्फेक्टेड बाय अ फ्लैट प्रोडक्ट
related, which was called a anthorax. Okay. And third one, the constant noise of a machine and long working. Sir, ये तो यही है. सेम ही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं. इसमें तीन पॉइंट. सर, जो सिल्क का कपड़ा पहनता है उसको भी सर हार्म करता है. नहीं नहीं, जो कपड़ा पहनता है उसको नहीं, लेकिन जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो वहाँ पे काम करते हैं, जो लेबर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्या क्या होती है. हाँ, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. एक्सप्लेन हाउ ऊल यार्न इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप. ये बताना है कि ऊल यार्न कैसे बनता है फ्लीस ऑफ सीप से. पेज नंबर बताओ सर. पेज नंबर 30. चलो 30 में चलते हैं कि फ्लीस से वो ऊल कैसे बनाते हैं. तो प्रोसेसिंग ऑफ ऊल लिखना होगा ना. यस सर. सर लंबा जाएगा. हाँ ये लंबा जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग आंसर है. तो ऊल प्रोसेसिंग वाला लिख देंगे ना. डायग्राम भी बनाएंगे क्या सर? डायग्राम नहीं बोल रहा बनाने. सर बोल तो नहीं रहा, बट लॉन्ग आंसर है तो बना भी. डायग्राम में तो कुछ है ही नहीं. पेज नंबर यही ना. यस सर. सर पूरा पेज लिखना. नहीं पूरा क्यों, पूरा क्यों, कहाँ तक बोला, पूछा कहाँ तक है सर? पूरा प्रोसेसिंग पूछा है. हाँ तो ऊल यार्न तक ही तो पूछा है, तो यहीं तक लिखेंगे ना. तो तब तो पूरा पेज लिखना पड़ जाएगा. हाँ तो लॉन्ग आंसर है तो पूछे पूरा लिखेंगे नहीं. सर इसको शॉर्ट कर सकते हैं ना. शॉर्ट कर सकते हैं. डायग्राम में बना सर, ऐसे लिख दिया. शॉर्ट कर सकते हैं. तरीका ऐसे ही इतना शॉर्ट लिखा हुआ, इसको क्या शॉर्ट करें. फिर भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर. पेज नंबर. पेज नंबर 34. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर ना. यस सर. कहाँ गया सिल्क फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स. ये रहा, ये तीनों पॉइंट लिख देंगे. क्या? यस सर, पूरा लिखा है. सब तीनों लाइन लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश वूल फ्रॉम कॉटन फाइबर. पेज नंबर. पेज नंबर 28. शुरुआत में ही पढ़े थे हम लोग ये वाला, है ना, ऊल और कॉटन फाइबर को डिस्टिंग्विश कैसे करें. यस सर. यहाँ पे है ऊल एंड कॉटन फाइबर. ये पूरा लिख देंगे ना, कॉटन के बारे में, ऊल के बारे में. सर हम बताएं सर, शॉर्ट हम लिखे हैं सर. नहीं इतना काफी, इतना लिखना होगा, इससे शॉर्ट क्या होगा. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. यस सही, इट्स ओके ना. ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होता तो मैं खुद कम करवा देता. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया ये. नेक्स्ट है, इसका भी 33 है. हाउ इज सिल्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून. पेज नंबर 33. पेज नंबर 34 में. यस सर. सर ये प्रोसेसिंग. अच्छा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. ये रहा ना, फ्रॉम कोकून टू सिल्क. यस सर. तो इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे सर? द कोकून से लिखेंगे सर. द कोकून सर क्लोजली एब्जॉर्ब से. क्वेश्चन क्या पूछा फिर से पूछो. पूरा लिखेंगे. क्वेश्चन फिर से. सर हाउ इज सर बॉइलिंग कोकून से. हाँ यहाँ से लिखेंगे, द बॉइल्ड कोकून से. सही बात है, वेरी गुड सर. लास्ट तक लिखेंगे. हाँ यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे यहाँ तक, लूम तक. वेरी गुड, बहुत अच्छे. ओके नाउ नेक्स्ट. 32 पेज नंबर. लास्ट वाला, एक्सप्लेन दी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. क्या है पेज नंबर? 32 पेज नंबर. इसमें लाइफ साइकिल का जो डायग्राम है ये तुम लोग ऑलरेडी होमवर्क में बनाए हुए हो. यस सर. चलो इसके बाद नहीं करते हैं. नेक्स्ट है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ये कॉपी में नहीं भी करोगे चलेगा, यहाँ पे डिस्कस करना है, यहाँ पे आपको आंसर देना है. जिसे आंसर आएगा वो हैंड राइज करेंगे. थिंक एन आंसर. वाई आर वूलन कारपेट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट.
देखते हैं किसे आता है आंसर, बताओ। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के आंसर देना कि यस आदित्य बोलो। सर मैंने एक भी बार नहीं बोला। एक मिनट शुभम, आदित्य को सुन लेते हैं फिर उसके बाद तुम बोलना, ठीक है? सर हमको नहीं पता है। ठीक है शुभम बोलो, व्हाई वूलन कारपेट यूज इन एयरक्राफ्ट? सर टू ट्रैप एयर, टू ट्रैप ऑक्सीजन। एयरक्राफ्ट में सर कहना है वार्म, बिकॉज द टेंपरेचर डिक्रीजेस एज वी मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर। दीप्ति यस? यस सर। बोलो क्यों वूलन कारपेट यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में? लगभग सुबह दी वूलन एयरक्राफ्ट इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज इट इज सेफर एंड आल्सो क्वालिफाइज द एरिया। व्हाट? The woolen aircraft is used in the aircraft because it is safer and also qualifies the area. Woolen carpet इसलिए use करते हैं क्योंकि ये क्या है? सर आप ही बता दीजिए ना। बता देंगे। शुभम क्या बता रहे थे? शुभम का कहना था कि इसमें air trap होता है। So, वैसे भी तो प्लेन में जो लोग उलन क्लोथ में ना एयर ट्रैप होता है। उलन उलन कारपेट जो है, कारपेट क्या होता है? बिछाने वाला नीचे में है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो उलन कारपेट क्यों यूज करते हैं ये पूछा गया है। तो उल का प्रॉपर्टी क्या क्या है पढ़े हो? सर थर्मोप्लास्ट। अरे थर्मोप्लास्टिक शुभम, ये तो नहीं होगा कि वो एयर ट्रैप करते हैं क्योंकि ऐसे भी तो बिना मास्क के होते हैं लोग, मतलब ऐसे नॉर्मली तो लोग बैठे होते हैं ना, तो वो सांस ले पाते हैं अच्छे से, तो ऐसा कोई रोल नहीं है वूलन कारपेट का। सर हमको पता चल गया। हाँ बोलो आदित्य। सर बिकॉज सर क्योंकि वूलन कारपेट का सर वेट बहुत कम होता है। हाँ और ये स्पॉन्जी फील भी देता है, कर्ल्स इसके जो है, तो होते हैं। चप्पल पहन के ना सर चढ़ते हैं तो कर्ल्स के वजह से इसका स्पॉन्जी फील भी होता है ना सर? जो कांटा वाला रहता है सर वो वाला? नहीं नहीं, नीचे कारपेट जो होते हैं ऊल का बना हुआ। नहीं सर, जो बहुत सॉफ्ट सा कारपेट होता है। ओके सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? उसका कर्ल्स के वजह से वो स्पॉन्जी होते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू वियर नायलॉन क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग? खाना बनाते समय नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, ऐसा क्यों? राइज योर हैंड। सर क्योंकि ये जल्दी ये फायर को खींच लेता है। फायर को खींच लेता है अपनी तरफ। नहीं सर, जल्दी आग जल्दी बर्न हो जाता है, कम ही टेंपरेचर मतलब इट बर्न्स इजीली, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, इट कैचेस फायर वेरी इजली, ये कह सकते हैं ना? यस सर। ओके नेक्स्ट इज, टीना बॉट अ फैब्रिक, टीना एक फैब्रिक खरीदी मतलब कपड़ा खरीदी, ऑन बर्निंग इट्स फाइबर, उसका एक धागा वो जलाई है, इट डिड नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं हुआ, बट अ पाउडरी रेसिड्यू निकला, पाउडर की तरह रेसिड्यू आया, ठीक है? फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द कंक्लूजन गिवन बिलो आर करेक्ट? तो उसने पाउडरी रेसिड्यू आया पाउडर की तरह, मेल्ट लेकिन नहीं किया, ठीक है? अब बताने की कौन कौन सी बात सही है, जैसे कि पहला, फैब्रिक इज ऑफ नेचुरल फाइबर ओनली। ट्रू सर। ट्रू। यस सर। अच्छा आर्टिफिशियल सिंथेटिक होता तो वो ये होता मेल्ट हो जाता, चलो ठीक है। और उसका रेसिड्यू भी हार्ड आता है ना, तो पाउडरी है तो ये ट्रू हो गया, टिक कर दिए इसमें। दूसरा, द फैब्रिक इज अ ब्लेंड ऑफ ऊल एंड सिल्क, फैब्रिक ऊल और सिल्क का ब्लेंड हो सकता है, लेकिन अगर नो सर, नो सर, ऊल और सिल्क का ब्लेंड होता है तो पाउडरी रेसिड्यू तो नहीं आता ना, ऊल में तो हार्ड रेसिड्यू बच जाता है, ये नहीं होगा। द फैब्रिक इज नॉट अ ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड नायलॉन, सिल्क और नायलॉन का ब्लेंड नहीं है, ये सही है ना सर? ये सही है, सिल्क और नायलॉन का तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद, द प्लांट फाइबर कुड बी प्रेजेंट इन द फैब्रिक, तो फैब्रिक में प्लांट फाइबर हो सकता है। यस सर, ट्रू।
True. Okay, a fabric can be blend of cotton and silk. True, sir. Cotton, no, silk sir, भी? False. नहीं, silk भी हो सकता है. False क्यों? True. False क्यों? False बोलोगे तो वजह बताना होगा. True बोलोगे तो वजह बताना पड़ेगा. कॉटन एंड सिल्क जब जलते हैं, कॉटन जलते हैं तो उसमें भी रेसिड्यू जो है क्रम्बल हो जाता है इजली. सिल्क भी जलता है तो रेसिड्यू क्रम्बल हो जाता है इजली. तो यहाँ पे देखो पाउडरी रेसिड्यू बना है. नेक्स्ट, द फ्लेम अपॉन बर्निंग द फैब्रिक वाज सूटी. अब सर फॉल्स. पाउडरी रेसिड्यू है तो सूटी कैसे फ्लेम? सूटी फ्लेम तो आता है या तो सिल्क को जलाने में या तो ऊल को जलाने में, है ना? यस सर. ये नहीं होगा. व्हेन द फैब्रिक बर्न इट स्मेल लाइक बर्निंग पेपर. सर ट्रू. ट्रू सर. ट्रू सर. चलो नेक्स्ट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस इन दैट क्वेश्चंस दैट फॉलो. अरुण एंड रिया वांट टू हेल्प द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय फ्लड इन अ कोल्ड नॉर्थन रीजन. दे वांट टू सेंड क्लोथ्स टू द अफेक्टेड चिल्ड्रन. अरुण और रिया मिलकर के बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं जहाँ पे बाढ़ आई हुई है नॉर्थन रीजन में, कश्मीर की तरफ. ठीक है, तो ये कुछ कपड़े भेजने चाहते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड अरुण एंड रिया कलेक्ट. तो किस तरह के कपड़े इन्हें लेने चाहिए? कश्मीरी क्लॉथ. कैसा है क्लॉथ? है तो नॉर्थ में तो कश्मीर है. ओके, नेक्स्ट है वूलन क्लॉथ्स लेना चाहिए. ठीक है, हाउ शुड दे पैक देम. उसे पैक कैसे करेंगे? सर बाय वाटर मटेरियल. सर सर बोलो आदित. सर नॉर्थ में तो सर सारा माउंटेन रीजन होता है तो सर उधर कैसे बाढ़ आ जाएगा? अरे मतलब मान के चलो, ऐसा हम ऐसा थोड़ी कह रहे. और आता ही है उधर, उधर भी तो आता है, बाढ़ से पानी आते रहता है, गिरता है. नहीं बिल्कुल, पहाड़ से तो सर बह जाता है. आई डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर द डिस्कशन. टाइम भी हो गया खत्म. कहानी अगले क्लास में, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये तीनों क्वेश्चन करके रखना, मैं अगले क्लास में पूछूंगा. चलो बाय. ठीक है सर. बाय सर. थैंक यू सर.